नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। बॉम्बे हाईकोर्ट की जज साधना जाधव ने एल्गार परिषद माओवादी भीमा कोरेगांव से संबंधित मामले की कई याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। तो अभिनेता अक्षय कुमार ने तंबाकू ब्रांड के विज्ञापन से खुद को किनारे करते हुए लोगों से माफी मांगी है। वहीं मंत्री धनंजय मुंडे ने एक महिला के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन मांगने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। इसी बीच लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद को देखते हुए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। तो उधर बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण के मामले इसी तरह बढ़ते हुए दिखे तो हम अपनी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। बॉम्बे हाईकोर्ट की जज साधना जाधव ने एल्गार परिषद माओवादी भीमा कोरेगांव से संबंध मामले की कई याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस साल ऐसा करने वाली हाईकोर्ट की वह तीसरी जज है। मामले के आरोपियों में दिवंगत कैथोलिक पुजारी स्टेन स्वामी सहित 16 विद्वान और कार्यकर्ता है। इस साल की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज SS शिंदे और जज PB वराले ने एल्गार परिषद मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस मिलिंद जाधव कार्यकर्ता रीना विल्सन और शोमा सेन द्वारा दायर 2 याचिकाओं की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। वकील सुरेंद्र गडलिंग द्वारा दायर एक जमानत याचिका दायर की गई थी और पुजारी फ्रेजर मस्करेनाज द्वारा दायर एक याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें स्वामी की ओर से दायर मुकदमे को चलाने की अनुमति दी जाए, जिनकी चिकित्सा जमानत की प्रतीक्षा में हिरासत के दौरान ही मृत्यु हो गई। जस्टिस साधना जाधव ने मंगलवार को कहा कि उन्हें मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए और उनके सामने एल्गार परिषद या कोरेगांव भीमा मामला नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने फैसले के लिए कोई कारण नहीं बताया। यह मामला 31 दिसंबर 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है। अभिनेता अक्षय कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तंबाकू ब्रांड के विज्ञापन से जुड़ने पर लोगों का इस तरह गुस्सा निकलेगा इसका अंदाजा नहीं था। अक्षय ने अब माफी मांग ली है और विज्ञापन से ब्रेकआउट कर गए हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने आज तक न तो तंबाकू एंडोर्स किया है और न ही कभी करूंगा। मेरे विमल इलायची के साथ जुड़ने के बाद आपका जो रिएक्शन आया है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। बता दें कि अक्षय हाल ही में अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ तंबाकू कंपनी के विज्ञापन में नजर आए थे। इस विज्ञापन को लेकर अजय और शाहरुख पहले से ही कुछ लोगों के निशाने पर रहे हैं, पर जब उन्होंने हाल ही में अक्षय को भी विज्ञापन करते देखा तो एक्टर पर बरस पड़े। अक्षय कुमार ने अब इसी विज्ञापन को लेकर फैंस से माफी मांगी है और अपने हाथ पीछे खींच लिया है। अक्षय ने अनाउंस किया है कि अब वह इस तंबाकू कंपनी के विज्ञापन के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। अक्षय कुमार ने यह भी बताया कि इस विज्ञापन को करने के लिए उन्हें जो फीस ऑफर हुई थी उसे उन्होंने एक अच्छे काम के लिए डोनेट करने का फैसला किया है। बता दें कि अक्षय कुमार न तो शराब पीते हैं और न ही सिगरेट। वह एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, जिसके बारे में वह कई बार बता चुके हैं। मंत्री धनंजय मुंडे ने एक महिला के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन मांगने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। मामले को तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। मुंडे को धमकी देने वाली और उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग करने वाली महिला ने उन्हें फरवरी से मार्च महीने के बीच में इंटरनेशनल नंबर से फोन किया था। मांग पूरी न होने की सूरत में महिला ने सोशल मीडिया पर धनंजय मुंडे की बदनामी करने की धमकी दी थी। इस धमकी के बाद धनंजय मुंडे ने एक पहचान के व्यक्ति के माध्यम से महिला को 3 लाख रुपए और एक महंगा मोबाइल फोन कुरियर के द्वारा भेजा था। हालांकि महिला ने इसके बाद भी धनंजय मुंडे से 5 करोड़ रुपए देने की मांग जारी रखी, जिसके बाद धनंजय मुंडे ने इस बात की शिकायत पुलिस स्टेशन में की थी। बता दें कि पिछले साल धनंजय मुंडे के खिलाफ एक महिला ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि बाद में महिला ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया था, लेकिन बाद में महिला ने इंटरनेशनल कॉल के जरिए मुंडे से पैसों की मांग शुरू की थी। फिलहाल मामले की जांच शुरू है। पुलिस की जांच में यह बात पता चलेगी कि आखिर यह महिला कौन है। लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। बैठक में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है। दूसरी ओर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता व राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने मांग की है कि इस पर केंद्र सरकार को एक नीति बनाना चाहिए। राउत ने पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित बीजेपी शासित राज्यों में लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर गृहमंत्री पाटिल ने पुलिस के अलावा अधिकारियों के साथ बैठक की।
गृह मंत्री वलसे पाटिल ने कहा कि गृह विभाग को गोपनीय सूचना मिली है कि विभिन्न स्थानों पर विवाद भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में पुलिस को आदेश जारी कर दिए गए हैं, वह स्थिति पर नजर रख रही है। लाउडस्पीकर विवाद में उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। शिवसेना नेता राउत ने कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, इसलिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में अब तक लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए हैं। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि हमारी नज़र रोजाना मिलने वाले कोरोना केसेस पर बनी हुई है। अगर मामले इसी तरह आगामी 2 से 3 दिन तक बढ़ते हुए दिखे तो हम अपनी नीतियों में बदलाव कर सकते हैं। मामले बढ़ते हैं तो स्क्रीनिंग से लेकर टेस्टिंग बढ़ा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टेस्टिंग का प्रोटोकॉल केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर लिया जाएगा। काकानी ने बताया कि बीएमसी की तरफ से समय समय पर मुंबई करों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। इसे फिर से अनिवार्य करने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मरीजों की संख्या और परिस्थिति को देखकर आगे इस पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव के बावजूद अस्पतालों में मरीजों का भार नहीं बढ़ा है। फिलहाल कोरोना के लिए रिजर्व 26,000 बेड में से सिर्फ 10 बेड पर ही मरीज भर्ती है। इनमें से सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। कोरोना नियंत्रित होने के बाद भी बीएमसी ने टेस्टिंग बंद नहीं की है। 267 केंद्रों पर अब भी टेस्टिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मुंबई में रोजाना औसतन 10,000 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। लोगों के बीच जागरूकता की जा रही है ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराएं। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम के एक बुनकर ने अनूठी राम भक्ति प्रदर्शित की है। उसने 60 मीटर लंबी और 44 इंच चौड़ी सिल्क की साड़ी तैयार की है, जिस पर 13 भाषाओं में जय श्री राम लिखा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहां माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 नए पैटर्न से होगी। वहीं देश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। दिल्ली में संक्रमण की तेज रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। उधर दिल्ली पुलिस ने कंप्यूटर में वायरस बताकर अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की है। इसी बीच बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम के एक बुनकर ने अनूठी राम भक्ति प्रदर्शित की है। बुनकर जुजारू नागराजू ने 60 मीटर लंबी और 44 इंच चौड़ी सिल्क की साड़ी तैयार की है। इस पर उसने 13 भाषाओं में जय श्री राम लिखा है। नागराजू ने रेशम की इस साड़ी को तैयार करने के साथ उस पर 32,200 बार जय श्री राम लिखा है। इस साड़ी को नागराजू ने रामकोटी वस्त्रम नाम दिया है। यह साड़ी 5196 फीट लंबी और 3.66 फीट चौड़ी है। साड़ी पर रामायण के सुंदरकांड से संबंधित भगवान राम के 168 अलग अलग चित्र भी बनाए गए हैं। इस दुर्लभ साड़ी को बनाने में नागराजू को 4 माह का वक्त लगा और इसमें 16 किलो रेशम का इस्तेमाल हुआ। इसे बनाने में रोज 3 लोगों ने हाथ बटाया। राम से बड़ा राम का नाम की भक्ति को चरितार्थ करते हुए 40 साल के नागराजू ने अपनी निजी बचत के 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। वह साड़ी को अयोध्या के राम मंदिर, जिसे वह रामालय कहते हैं, को भेंट करेंगे। 13 भाषाओं में राम नाम लिखकर उन्हें देश की विविधता में एकता का भी संदेश दिया है। देश में लाखों राम भक्त अपने अपने तरीके से प्रभु की उपासना करते हैं। राम नाम स्मरण व राम नाम पुस्तिका के जरिए कई लोग नित्य प्रति ईश्वर का ध्यान करते हैं। ऐसे में नागराजू ने हाथों से यह साड़ी बुनकर राम भक्ति का एक और बिरला उदाहरण पेश किया है। वे श्री सत्यसाई जिले के धर्मावरण के रहने वाले है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 नए पैटर्न से होगी। परीक्षा में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय दिया जाएगा, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। 2025 से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में भी यह पैटर्न लागू किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आगामी 5 वर्ष में सभी ब्लॉकों में हाईस्कूल और इंटर कॉलेज की स्थापना की जाएगी। विद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्षों के भीतर संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाएगा। संस्कृत को तकनीकी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए 180 घंटे का सर्टिफिकेट और 360 घंटे का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। संस्कृत की पारंपरिक विद्या, कर्मकांड, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अर्चक और पुरोहित तैयार करने की दिशामंत कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में बीए, बीकॉम और बीएससी के स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएंगी।
देश में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण की तेज रफ्तार ने देश भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गुरुवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 2380 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 313 अधिक है। इस दौरान 56 लोगों की मौत भी हुई, हालांकि 1231 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश में सक्रिय मरीज की संख्या भी बढ़कर 13433 हो गई है, जो चिंता का विषय है। देश में कोरोना की आर वैल्यू पिछले 3 महीने में पहली बार 1 से ऊपर रही। जानकारी के मुताबिक यह संक्रमण को लेकर बढ़ते हुए खतरे का संकेत है। बता दें कि आर वैल्यू संक्रमण प्रसार दर होती है, यह दर्शाती है कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, प्रतिदिन मामलों में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 1009 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 162 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 690 है, इसमें मुंबई के 415 मामले भी शामिल है। देश के विशेषज्ञों ने फिर एक बार चेतावनी दी है और कहा है कि कोरोना कहीं गया नहीं है, लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए पहले बनाए प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। कंप्यूटर में वायरस बताकर अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कर्मचारी बनकर ये वायरस हटाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। नई दिल्ली स्थित साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। कुल 14 लोगों के खिलाफ सेक्टर 40 थाना में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि साउथ सिटी 1 के मकान नंबर C51 में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। योजना बनाकर टीम ने दबिश दी। मकान की पहली मंजिल पर 3 अलग अलग कमरों में युवक युवतियां लैपटॉप सामने रखकर ईयरफोन लगाकर डायलर के जरिए बात कर रहे थे। यहाँ के फोटो और वीडियो लिए गए। मालिक के बारे में पूछा तो पता चला कि कर्ण शर्मा, मयंक नाथ, राहुल भाटी, मोहित बजाज और रजत जुनेजा उर्फ रिक्की उर्फ संजय यहाँ के मालिक है। मौके पर मिले 14 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। यहाँ काम करने के लिए 7 युवक व 3 युवतियों को काम पर रखा गया था। कॉल सेंटर संचालकों ने बताया कि अपने परिचित जॉर्डन नामक व्यक्ति के जरिए वे US के लोगों के कंप्यूटर सिस्टम पर पॉपअप मैसेज भेजते थे और उन्हें झांसे में लेते थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से वे किराए पर कॉल सेंटर चला रहे थे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों जिला प्रशासन आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपियों के घर को बुलडोजर से जमींदोज करने की कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत और जस्टिस PK कौरव की युगलपीठ ने जनहित का मुद्दा मानने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया है। अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के भिन्न जिलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आरोपियों का घर को तोड़ने की कार्रवाई पुलिस व प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई से लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आपराधिक प्रकरण दर्ज आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई अवैधानिक है। याचिका के साथ इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन सहित अन्य जिलों की कार्रवाई के संबंध में अखबारों में प्रकाशित खबरों की प्रतियां पेश की गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष आनंद बरनाड ने दलील में कहा कि याचिकाकर्ता ने सिर्फ अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर याचिका दायर की है। कार्रवाई के खिलाफ संबंधित पक्ष की ओर से किसी प्रकार की कोई याचिका दायर नहीं की गई है। इसके बाद युगलपीठ ने उठाए गए मुद्दे की सुनवाई को जनहित का नहीं मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बैन करने के फैसले पर हैरानी जताई है और इसे पागलपन कहा है। तो दावा किया जा रहा है कि लुहानस्क के बड़े क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो गया है। सभी नागरिकों से तत्काल शहर छोड़ देने की अपील की गई है। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित महिला विश्वविद्यालय स्वामी ने सभी छात्राओं के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी बीच कुर्सी गंवाने के बाद इमरान खान को अकल आई है। उन्होंने समर्थकों से कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश में उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उधर वैज्ञानिकों ने चांद के दोनों किनारों में अंतर की वजह पता लगा ली है। इसके दोनों किनारों पर पैदा हुआ असंतुलन 4.3 अरब वर्ष पूर्व एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ था। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बैन करने के फैसले पर हैरानी जताई है। जोकोविच ने इस फैसले को पागलपन कहा है। गौरतलब है कि विंबलडन ने कल बुधवार को लिए गए एक फैसले के तहत रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को इस ग्रैंड स्लैम में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है।
ग्रासकोट ग्रैंड स्लैम पहला टेनिस टूर्नामेंट है जिसने इन दो देशों पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें वर्ल्ड नंबर दो रूसी खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव और बेलारूस की नंबर चार खिलाड़ी अर्नाया सबलेका शामिल है। ये खिलाड़ी 27 जून से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। युद्धग्रस्त सर्बिया में पले बड़े जोकोविच ने इस फैसले पर कहा कि एथलीट्स का इस मौजूदा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। जोकोविच ने बेलग्रेड में सर्बिया ओपन के एटीपी 250 इवेंट के दौरान कहा कि मैंने हमेशा युद्ध का विरोध किया है, मैं कभी युद्ध का समर्थन नहीं करूंगा, मेरा बचपन ही युद्धग्रस्त रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध भावनात्मक रूप से बहुत दुख देकर जाता है, सर्बिया में क्या हुआ हम जानते हैं, 1999 का वह मंजर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बालकान में हालिया वक्त में काफी युद्ध हुए हैं, इसलिए मैं विंबलडन के फैसले का समर्थन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि यह पागलपन है, जब राजनीति खेल में दखल देती है तो नतीजे अच्छे नहीं होते। रूस और यूक्रेन का युद्ध इस सदी की सबसे भयानक तबाहियों में से एक बनता जा रहा है। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग अब अपने 2 महीने पूरे करने जा रही है। क्यू के पास कुछ इलाकों से रूसी सैनिक पीछे हटे हैं, तो पूर्वी यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। इस जंग की शुरुआत पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके से ही हुई थी। विवाद की जड़ डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र भी डोनबास में आते हैं। अब दावा किया जा रहा है कि लुहांस्क के बड़े क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो गया है। लुहांस्क के गवर्नर ने कहा कि रूसी सेना का लगभग 80% क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। पुतिन का मकसद डोनबास तक रूसी क्षेत्र का विस्तार करना और इलाके की सत्ता मॉस्को समर्थित विद्रोहियों के हाथों में सौंप देना है। डोनबास पर पहले भी रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा था। 24 फरवरी से पहले करीब 60% क्षेत्र यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण में था। गवर्नर ने सभी नागरिकों से तत्काल शहर छोड़ देने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक अब तक 50 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश में मार्शल लॉ को आगे बढ़ाने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। अगर संसद इस विधेयक को पारित कर देती है तो मार्शल लॉ को 2 महीने के लिए 24 जून तक बढ़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित महिला विश्वविद्यालय स्वाबी ने सभी छात्रों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार 20 अप्रैल से महिला विश्वविद्यालय स्वाबी के परिसर में स्मार्टफोन, टचस्क्रीन मोबाइल या टैबलेट की अनुमति नहीं होगी। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि छात्राएं विश्वविद्यालय के समय के दौरान व्यापक तौर पर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती है, जो उनकी शिक्षा, व्यवहार और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि छात्राएं विश्वविद्यालय के समय के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करें। निर्देश जारी करने के अलावा हिदायत देते हुए यह भी कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन के मामले में विश्वविद्यालय छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और ₹5,000 का जुर्माना लगाएगा। नए नियमों के तहत भारी मेकअप, आभूषण और महंगे हैंडबैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छात्राओं के अलावा छात्रों को भी औपचारिक और सभ्य ड्रेस कोड का पालन करने को कहा गया है। निर्देशों में कहा गया है कि स्टूडेंट स्कर्ट लगी हुई, फटी हुई या स्किन फिटेड जीन्स, शॉर्ट्स, चप्पल और झुमके और चेन जैसे सामान नहीं पहन सकते। यही नहीं, विश्वविद्यालय ने सरल और औपचारिक तरीके से कटवाए गए बाल और दाढ़ी के स्टाइल को भी अनिवार्य कर दिया है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बैर लेकर कुर्सी गंवाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब अकल आ गई है। इमरान खान ने अपने समर्थकों से कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश में उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनरल बाजवा के खिलाफ पीटीआई समर्थकों से चौकीदार चोर है के नारे लगवाने वाले इमरान खान ने सफाई दी कि उनकी पार्टी कभी भी सेना के खिलाफ बात नहीं करती है, बल्कि उन्हें मजबूत करती है। इमरान खान ट्विटर स्पेस पर अपने समर्थकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इमरान की पार्टी पीटीआई का दावा है कि इस कार्यक्रम को 1.60 लोगों ने लाइव सुना, जो दुनिया में रिकॉर्ड है। इससे पहले जनरल बाजवा ने चौकीदार चोर है जैसे सेना विरोधी नारे लगाने के लिए इमरान खान के समर्थकों को सख्त चेतावनी दी थी। माना जा रहा है कि इसी चेतावनी के बाद इमरान खान के सुर बदले हैं। इस बीच इमरान खान के करीबी मंत्री फवाद चौधरी ने भी माना है कि सेना के साथ इमरान खान के रिश्ते ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान और सेना के बीच रिश्ते अच्छे होते तो वे सत्ता में होते। इमरान ने ताजा बयान में सेना के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। उन्होंने जनता से अपील की है कि उन्हें फिर से संसद में 2/3 बहुमत दिया जाए, ताकि एक मजबूत सरकार केंद्र में बनाई जा सके। वैज्ञानिकों ने चांद के दोनों किनारों में अंतर की वजह पता लगा लिया है। इसके दोनों किनारों पर पैदा हुआ असंतुलन 4.3 अरब वर्ष पूर्व एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हमसे दूर और हमें दिखाई देने वाली चांद की सतह के बीच काफी असंतुलन पैदा हो गया।
पृथ्वी से नजदीक दिखने वाले चांद का जो हमसे नजदीक वाला भाग है उसमें ज्वालामुखी लावा का प्रवाह बना हुआ है, जबकि दूर वाले छोर में ज्वालामुखी से बने गड्ढों की भरमार है। वैज्ञानिकों की टीम ने इन्हीं गड्ढों को इस अंतर का कारण माना है। इस शोध से चांद के बारे में और जानकारी जुटाने में मदद मिल सकती है। नया शोध बताता है कि इसके प्रभाव से चंद्रमा पर विशाल दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन का निर्माण हुआ। यह सौरमंडल में इस तरह का दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। चंद्रमा की जो सतह हमसे नजदीक है या जिसे हम देख पाते हैं उस पर लूनर मेर का प्रभाव है। वही दूर वाली सतह में ज्वालामुखी से बने बड़े गड्ढे हैं, जहां बड़े पैमाने पर लावा का प्रवाह नहीं होता। वैसे चंद्रमा के दोनों किनारों में अंतर का खुलासा अमेरिकी अपोलो मिशन व सोवियत संघ के लूना मिशन में हो गया था। अब नए शोध में पाया गया है कि जब क्षुद्र ग्रह चांद की सतह से टकराया तो नजदीक वाले हिस्से में लावा बहने से पुराने गड्ढे भर गए। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।